लाल किले के पास उनकी पत्नी और बच्चों के साथ में उनको एक पत्रकार ने देख लिया। अच्छा, पत्रकार क्या देखता है? डीटीसी की बस, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, मतलब सरकारी बस, उससे उतर के अपना लाल किला जा रहे और वहां बच्चों को जो है ना चुस्की आइसक्रीम खिला रहे। तो पत्रकार उस दिन तो कुछ नहीं बोला, बाद में जब उनको मिला बोला, शास्त्री जी मैंने आपको सरकारी बस डीटीसी के अंदर देखा लाल किला जाते वक्त। बोले ठीक बात है, देखा आपने मुझको, हो सकता है। बोला आप कहां सरकारी बस में घूम रहे थे? तो बोले देखो ऐसा है, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं सरकारी बस में ही जा। बोला गाड़ी तो है आपके पास? ना, वो मेरी गाड़ी नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, वो मेरी गाड़ी नहीं है। अभी मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के जा रहा था, तो इसीलिए जब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं तो बस में ही जाऊंगा ना, आम आदमी की तरह में। अच्छा, इस बात से लेकर के उनकी पत्नी शर्मिंदा हो गई। बोला ऐसा जवाब कहीं दे दिया आपने पब्लिक में जाकर के, हमारी भी बेइज्जती करा दी आपने। तो लाल बहादुर शास्त्री ने बड़े प्रेशर में आके परिवार के 12,000 रुपये का लोन लेकर के एक फिएट गाड़ी उन्होंने लोन पे ली अपने लिए।